हरे कृष्णा एवरीवन। सो टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे नोन एज बहुलाष्टमी। कार्तिक में वैसे बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाएं, बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं। और कार्तिक में हम जितनी ज़्यादा उनकी लीलाएं सुने, जितना भगवान का ध्यान करें, जप करें, उतना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक माला का 1000 माला के बराबर काउंट किया जाता है इन कार्तिक। कार्तिक मंथ है राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, तभी हैं वो बरसाने वाली। सो इसीलिए उनके मंथ में अगर थोड़ी भी भक्ति की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आज के दिन बहुलाष्टमी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुई है। स्पेशली दो इवेंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आज के। पहला, बहुलाष्टमी के दिन भगवान ने बहुला नाम की गाय को प्रोटेक्ट किया था। दूसरा, बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड प्राकट्य है। चलिए विस्तार से हम इन लीलाओं को देखते हैं। बहुत ही प्यारी मधुर लीलाएं हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। पहली लीला है बहुलाष्टमी के दिन जो बहुला नाम की काऊ है चरने जाती है जंगल में, और जंगल में चरती है जब घास तो वहां पे एक शेर आ जाता है। शेर जो रहता है गाय को देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अब मुझे मेरा फूड आ गया है। वो गाय को खाने ही वाला रहता है कि गाय उससे रिक्वेस्ट करती है, बहुला रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बछड़ा वहाँ पर भूखा है घर में, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ जाऊँगी तो तुम मुझे खा सकते हो। शेर नहीं मान रहा था, लेकिन बहुला ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट पर प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस करने पर शेर मान गया। जब बहुला अपने घर आई, उसने बछड़े को दूध पिलाया, उसके बाद बछड़े और अपने मालिक से उसने पूरा वृतांत बताया और कहा कि मुझे जाना होगा, मैंने प्रॉमिस किया है शेर को। तो बछड़ा बोल रहा था मैं भी जाऊँगा, मालिक ने कहा कि तुम दोनों रहने दो, मैं जाऊँगा। उस समय जो गाय के पालनकर्ता होते थे वो गाय को अपने घर का सदस्य मानते थे, और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी। आज की तरह नहीं, आज गाय हमारे लिए प्रोडक्ट बन के रह गई है। उन्हें किस तरीके से डेयरी में रखा जाता है गाय को, वो बड़ा ही दयनीय है। बहुला, उसका मालिक और बछड़ा तीनों शेर के पास गए। बहुला ने कहा इन्हें मत खाना, मुझे खा लो, मैंने प्रॉमिस किया था। बछड़े ने कहा नहीं नहीं मेरी माँ को छोड़ दो, मालिक को छोड़ दो, मुझे खा लो, मेरा जो फ्लैश है वो बहुत ताज़ा ताज़ा है। मालिक ने कहा कि नहीं नहीं इन्हें छोड़ दो, मनुष्य का शरीर तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो तुम मुझे खा लो। सो इस तरीके से सब रिक्वेस्ट करने लगे, और शेर सोच ही रहा था कि मैं किसे खाऊं, उतने में जो प्रोटेक्टर ऑफ वृंदावन हैं, प्रोटेक्टर ऑफ डेवोटीज हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा, वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो शेर को प्रॉमिस करते हैं कि शेर तुम्हें हमेशा के लिए मैं फेम देता हूँ, तुम हमेशा फेमस हो जाओगे। बहुला ने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दिखाई है, इसलिए उसे छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो। शेर भगवान की बात मान जाता है, भगवान की कृपा से उसकी भूख शांत हो जाती है और वो चला जाता है। भगवान बहुला की ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से प्रसन्न होकर उस वन का नाम, उस फॉरेस्ट का नाम बहुला वन के नाम से रख देते हैं। आज भी ब्रजभूमि में बहुला वन है, वहाँ पे आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लेस मानी जाती है। इसके बाद बहुला को भगवान ने एक और सौभाग्य दिया कि वो अपने नेक्स्ट बर्थ में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में रह सकती है। आज ही के दिन बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का प्राकट्य भी है। ये लीला कैसी है चलिए देखते हैं। सो, भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था। वो जो राक्षस था ना, वो बैल के फॉर्म में आया था, बैल बन के आया था, और वो उनके साथ आके खेलने लगा था। पर कृष्ण और बलराम समझ जाते हैं कि ये राक्षस है। भगवान ने उस राक्षस को मारा था, और जब वो मार कर गोपियों और राधा रानी के पास आए तो राधा रानी और गोपियों ने कहा कि तुमने गौवंश की हत्या की है, तुमने बैल की हत्या की है, बैल तो धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए तुम अब अशुद्ध हो गए हो, गौ हत्या का पाप लगा है तुम्हें, तो तुम्हें सारी पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक चरण मारा पृथ्वी पर,
और होल बना दिया। उधर पे सारी पवित्र नदियों का स्मरण किया, सारी पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना, ऐसी सारी पवित्र नदियाँ, सरस्वती, सारी की सारी पवित्र नदियाँ आकर वहाँ पे अपना जल देती हैं और उसके बाद वो कुंड भर जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उस कुंड में जाके नहाते हैं और स्नान करने के बाद कहते हैं कि इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो राधा रानी और सखियां हैं सब कहती हैं कि हमें भी हमारा कुंड चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तो पवित्र हो गया पर तुमने एक डीमन का साथ दिया, एक राक्षस का साथ दिया, भले ही वो गाय था पर तुमने साथ दिया, इसलिए तुम्हें भी अब पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। सो राधा रानी और गोपियों ने अपने अपने कंगन निकाल लिए और कंगन से होल करना स्टार्ट कर दिया। होल करने के बाद सारी पवित्र नदियाँ जो कि श्याम कुंड में गई थी वो सारी राधा कुंड में भी गई, अपना अपना जल प्रदान किया और उसके बाद राधा कुंड में भी जाकर कृष्णा ने स्नान किया। तो इस तरीके से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। शिला रूप गोस्वामी जो कि वृंदावन के सट गोस्वामी में एक हैं, उन्होंने अपनी उपदेशामृत में बताया है कि मथुरा सारे वैकुंठ लोकों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए हैं। और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि वहाँ भगवान की मधुर लीलाएं हुई हैं। और वृंदावन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है गिरि गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने स्वयं गिरि गोवर्धन को उठाया है और बहुत प्यारे प्यारे पास टाइम्स वहाँ भी हुए हैं। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। सो राधा कुंड की प्लेस सबसे ऊंची है स्पिरिचुअली, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी पता चलता है और हमें श्रीमद् भागवतम से भी पता चलता है। सो राधा कुंड में जो भी स्नान करता है उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से कार्तिक में ये दोनों पास टाइम्स भी हुए। हम कार्तिक की और भी लीलाओं पे चर्चा करेंगे। अगर आपको चाहिए और लीलाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये मधुर सी लीला कैसी लगी। हैप्पी बहुलाष्टमी, हरे कृष्णा।